तुरंत स्टार्ट हो रहा है और देखिए आप सही समय पे आ गए। तो मैं आगे और जा सकता हूँ। तो आप गणेश जी का चलाते हो, सॉफ्ट म्यूजिक चलाएगा डीजे वाले सर। समझ गया आप मेरी बात। हमारे बीच भी हमारे और सर आप सीधा स्टेज पे ही आ जाइए, सही समय पे आए हैं। डॉक्टर हरीश रावत जी ये एक इंटरनेशनल लाफ्टर योगा गुरु है और फाउंडर हैं लॉट्स ऑफ लाफ्टर योगा फाउंडेशन के। ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, आप ही आ जाइए। देख रहे हैं पी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं कीर्ति नगर में जहाँ की पुरवर अचीवर फाउंडेशन की तरफ से नेशनल अवार्ड सेरेमनी एंड फैशन शो का आयोजन किया गया, जहाँ पे हमारे साथ में सेलिब्रिटी गेस्ट हमारी मौजूद है दीपिका गुप्ता जी। आइए बात करते हैं इनसे। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि यहाँ पे आने का मौका मिला है और अनीता जी एंड मनोज जी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है शो में। और ये आप प्लीज़ सब लोग इनके साथ जुड़ें और देखें कितना अच्छा ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें फैशन शो भी है, उन्होंने एज अ शो स्टॉपर भी मुझे इनवाइट किया है। रियली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शो में शो स्टॉपर वॉक करने के लिए। अच्छा मैम, जैसे कि आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगी नए मॉडल्स को जो कि आपको देख रहे हैं और कुछ ना कुछ टिप्स की इच्छा रखते हैं आपसे, क्योंकि रूबरू तो आपसे डेली मिलना नहीं होता है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल कहूँगी अपने मन में अगर आपकी इच्छा है कि आपने बनना है एज अ मॉडल तो प्लीज़ आप करें और अपनी आपको अच्छी से अच्छी एजेंसीज में काम करें और मेहनत करें, पक्का बनेंगे आप डेफिनेटली। मैम हमारे चैनल के लिए क्या ब्लेसिंग देंगे, क्या दो आशीर्वाद देना, दुआएं देना? थैंक यू सो मच पी न्यूज़ जो हमेशा हमारा इतना अच्छा अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। हम लोग आते हैं, हम अगर सेलिब्रिटी भी बने हैं तो इन्हीं की बदौलत बनते हैं और थैंक्स टू मैनी मैनी थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपिका। नमस्कार साथियों, हमारे साथ में मौजूद है किरण सिंह जी जो कि एकता फाउंडेशन की फाउंडर और प्रेसिडेंट है जो कि बिहार से दिल्ली में पधारी हैं। मैम सबसे पहले तो दिल्ली में और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पूरे इवेंट में जितने भी लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। अच्छा मैम, जैसे कि आज ये इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ है,
वुमेन्स एंड मेन्स और साथ में अवार्डी तो है ही, साथ में फैशन शो का भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगी अनीता जी और जो मनु जी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो हम पटना में करवाते थे मिस इंडिया और मिसेज इंडिया का प्रोग्राम, क्योंकि हम महिलाओं के लिए 20 साल से काम किए हैं तो हम महिलाओं से रिलेटेड ही कोई भी प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद हमको यहाँ का ऑफ़र मिला, दिल्ली का ऑफ़र मिला इवेंट के लिए, तो हम बोले चलो, लेकिन हम करेंगे तो महिलाओं के लिए ही करेंगे, सबके लिए। हाँ, सबके लिए करेंगे, सभी महिलाएं 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 होती हैं, वो कहीं की भी हों, मैं भी एक महिला हूँ। और ये कहना था कि यहाँ फैशन शो के लिए, ये मेरा मतलब उनको उत्तेजित करना था कि आप फैशन शो भी करवाओ महिलाएं, क्योंकि महिलाएं कहाँ कहाँ से निकल के आई हैं, बहुत स्ट्रगल करके, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रगल करके इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, तो मुझे देख के ये बहुत अच्छा लगता है। मैं बिहार में भी गांव से लड़कियों को निकालती हूँ, जहाँ पे हुनर छिपा हुआ है उनको निकाल के लाती हूँ, और मिस इंडिया और मिसेज इंडिया के जरिए उनको एक प्लेटफॉर्म देती हूँ आगे बढ़ने का। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैम, आप ऐसे ही देश में क्या विदेशों में भी इंडिया का और बिहार का नाम रोशन करती रहे। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, और मेरा बस चले तो हम आउट ऑफ इंडिया में भी बिहार का नाम जाके रोशन कर दे, दिल्ली में तो कर ही दिए, बिहार में भी फॉरेन कंट्री में भी जाके हम कर दें, विदेशों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ में बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर राजकुमार खुराना जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं सर, न्यूज़ पे सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आई एम राजकुमार खुराना, एक्टर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से इस फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 25 साल से ऊपर हो गए। मैं पहले DD1 DD2 के लिए मैंने काफ़ी सीरियल्स किए, उसके बाद फिर मैं मूवी लाइन में आया, तो मैंने कई फिल्में भी करी, और ये फिल्में करते हुए मैं हिंदी फिल्में भी की, तमिल भी कर रहा हूँ, और अभी आपको आगे आने वाले समय में मैं भी हॉलीवुड की भी मूवीज़ आपको देखने के मिलेंगी। इन सब के साथ साथ मैं एक स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ, जो कि मैं टेबल टेनिस का ट्रेनर हूँ, और साथ में मैं टेबल टेनिस का नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, तो ये मेरी पहचान है जी। अच्छा राजकुमार सर, जैसे कि डॉक्टर अनीता जी और डॉक्टर मनोज जी ने ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे जेंट्स को भी अवार्ड दे रहे हैं, साथ में महिलाओं को अवार्ड दे रहे हैं, और साथ में फैशन शो भी आयोजित किया है, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? और ये जो कुरवार फाउंडेशन है, इतना अच्छी मुहिम लेके आया है दिल्ली के अंदर, कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है, अवार्ड के साथ में एक फैशन शो भी आयोजित करना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कुरवार फाउंडेशन के जो ऑनर हैं डॉक्टर मनोज जी और डॉक्टर अनीता जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, और ये महिलाओं के, स्पेशली महिलाओं के लिए है, लेकिन हर चीज़ के पीछे सपोर्ट चाहिए होती है, जिसमें इन्होंने मेल को भी, जेंट्स को भी बुलाया गया, जो कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, और इसके साथ साथ ये सोशल वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं, और एक्टिविटी के नाम पे बराबर करना भी चाहिए, ताकि फैशन शो हो, कुछ हो, तो दूसरों का एंटरटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर अनीता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और इनके लिए इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछली बार भी इन्होंने 29 मई को किया था, तब भी मेरे को आमंत्रित किया था, और अब भी मेरे को अपने इस मंच पर बुलाया, मैं इसके लिए इनका धन्यवादी हूँ, और उम्मीद करता हूँ इनका प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा जाएगा, और आपको आने वाले समय में मेरी पिक्चरें देखने को मिलेगी। अभी मेरी 3 फीचर फिल्म रिलीज़ होने जा रही हैं, जिनका नाम है अनोखा इंसाफ, स्टार्टअप, और अभी नहीं, ये मेरी हो रही हैं, और अभी कुछ टाइम के बाद द ग्रेट सुल्ताना, और मेरी कई मूवीज़ लाइन में हैं जो आपको देखने को मिलेंगी जी। अच्छा राजकुमार सर, जैसे कि पी न्यूज़ AN मैगजीन आपके साथ में रहता है, आपका हमदम साथी है, अरे बिल्कुल, क्या क्या आशीर्वाद, क्या दुआएं देना चाहेंगे AN मैगजीन और पी न्यूज़ को? मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, नदीम भाई को खासकर, क्योंकि इन्होंने हमारे लोग को बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग दिया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सच के साथ चलते हैं और सब खबरें सच्ची छापते हैं, जिसकी वजह से मैं इनके साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ इनका पी न्यूज़ चैनल और आपका ये दूसरा चैनल AN मैगजीन बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छुएगा, मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ऐसे ही आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ बनाए रखें, आपसे मिलते हैं जल्दी किसी और धन्यवाद जगह पे, ग्रेट टैलेंट के साथ जरूर। ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ में मौजूद हैं अब दिल्ली की बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजर भी हैं, आज के शो को
आज के शो में चार चांद लगाने वाली दो एंकर हैं, जिन्हें कि हम आज के एंकर ही बोलेंगे क्योंकि होम मेजर तो आप ही। कैसा लगा मैम आज यहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों? मेरा नाम स्मृति चड्डा महाजन है, जैसे कि अभी बताया आपने, उन्होंने मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेरा नाम है स्मृति, तो शिल्प स्मृति स्पार्कलिंग इवेंट्स के फाउंडर डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे आए हैं हम अनीता पुरवार जी के 15th नेशनल अवार्ड में, और यहाँ पे हमें एज अ ऑफिशियल एंकर बुलाया है, तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि बोलना बहुत पसंद है और जहाँ पे अपने जैसे लोग मिलते हैं, आपकी वेवलेंथ मैच करती है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल मान सम्मान मिलता है। और यहाँ पे आने के बाद इतना कहना चाहूँगी कि इतना मज़ा आया इनके साथ, मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र अपनी लाइफ में नहीं देखी जो कि इतनी सटल है, इतनी विनम्र है नेचर से। और इन्होंने आए हुए सभी अतिथियों का, अब सभी गेस्ट का ध्यान रखा, सबके बारे में, सबके मान सम्मान में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने दी। और हमारे बीच में यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे, VIP गेस्ट थे, VVIP गेस्ट थे, और बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं और बहुत नए नए लोगों से भी मिलना हुआ। तो ऐसे शोज़ में आने का एक मज़ा होता है और एंकरिंग करना तो हमें बहुत पसंद है, तो जहाँ पे हमें चांस मिलता है और मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है तो वहाँ पे ये अवसर हम नहीं छोड़ते। जी मैम, आप क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं शिल्पी बहादुर हूँ, मैं मॉडल एक्टर और शिल्प स्मृति स्पार्कलिंग इवेंट्स की डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये हमारा एक नया, हमने अपने हाथ में नया नहीं, ये हमने कुछ दिनों से अपनी प्रतिभा को ये खोजा है। हमें बोलना बहुत पसंद था, हमें सब कहते थे कि हम क्यों नहीं एंकरिंग करते हैं, क्योंकि हम एंकर का क्या काम होता है, जो भी आए उसको स्पेशल फील कराना, और वो हमें अंदर से है, हमें हमारे लिए हर गेस्ट स्पेशल होता है। तो यहाँ जब हम आए, और ऑर्गेनाइजर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एंकरिंग किया और यहाँ की जो क्राउड था, जो भी पब्लिक, जो भी सेलिब्रिटी, सबने हमें, हमारा मॉरल बूस्ट अप किया, तो हमें लग रहा है कि हम एक बहुत ही अच्छे एंकर बन सकते हैं, शिल्पी और स्मृति, और हम आगे इवेंट्स करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, वो सब करते रहेंगे, लेकिन एंकरिंग में जो मज़ा है ना, वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए, समाज में जब हम लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं ना, उससे आपका संपर्क अच्छा बनता है और आपकी जो हॉरिजन है वो ब्रॉड होता है। तो फाउंडर डायरेक्टर तो थे, हैं, रहेंगे, मॉडल थे, हैं, रहेंगे, लेकिन एंकरिंग एक नई चीज़ है जिसको हम नहीं छोड़ेंगे, और जब तक शिल्प और स्मृति साथ है तब तक धूम मचाएंगे। तो और यहाँ सबसे बड़ी बात है, सबको अपनी तारीफ सुनना पसंद है। हमें लग रहा है कि हमने ना आज कोई किला फतह किया, आज इतनी तारीफें मिली है ना कि पेट भर गया, जी भर गया। और आगे भी भगवान की दया से हमें बहुत सारे शोज ऑफर हुए हैं एंकरिंग के, तो हमारा काम आप लोगों की कृपा से बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। हमारी शुभकामनाएं की दुनिया में भी वो मुकाम हासिल करें जो आपने आज तक एनजीओज और फाउंडेशन के थ्रू पाया है। साथियों, मिलते हैं आपसे किसी नए चेहरे के साथ, किसी नए जगह पे, किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम में, किन किन को आपने सम्मानित किया? अगर सम्मानित करने की बात करें तो लगभग 125 लोग थे इनको टोटल हमने सम्मानित किया है, चाहे वो गेस्ट कैटेगरी हो, चाहे वो अवार्ड्स हो, टोटल अगर देखा जाए तो 125 थे जिनको सम्मानित किया है। और इस इवेंट में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे लिए और शायद दिल्ली के लिए भी एक अजूबा वाली बात है कि 7 सेलिब्रिटी थे इस इवेंट में, और स्पेशली मुंबई से आए हुए हैं रोने शाह सर हैं, और बहुत बड़ा प्रोफाइल है इनका, और कुणाल जी जा चुके हैं। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी संस्था को सहयोग, यही इनका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये हमारे प्रोग्राम में आते हैं रेगुलर। ये पिछली बार आए तो इन्हें अच्छा लगा और ये इस बार भी आए हैं। अनिता जी, जैसे कि यह 15वां आपने अवार्ड शो किया है, इससे पहले 14 और कर चुके हैं आप, इसमें किस तरह के लोगों को आपने अवार्ड दिए हैं? मेरे ख्याल से कोई फील्ड ऐसी नहीं बची होगी जिसको पुरवार अचीवर्स फाउंडेशन सम्मानित नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से तो सारे फील्ड हो चुके हैं कोई नहीं बचा होगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर, मॉडल, सेलिब्रिटीज, और जो भी ज़मीनी काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम जो हायर प्रोफाइल हैं उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हमारा मेन काम है कि जगह जगह से ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने कार्यक्षेत्र में। वो कोई भी कार्यक्षेत्र हो सकता है, कोई भी कलाकारी हो सकती है, कोई भी आर्ट हो सकती है, और हर फील्ड से ही हमारी संस्था लगभग सबको सम्मानित करती है, कोई नहीं बचाओ। जी धन्यवाद मैम। हमारे साथ में सर हैं, सर से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि एक चैनल के लिए नए चेहरे हैं आप, दिल्ली के लिए भी नए। मैं धोनी शाह हूँ,
मैंने कुछ करीब 35 सीरियल्स किए हैं और करीब 8 बॉलीवुड मूवीज़ करी हैं, हिंदी मूवीज़ और 8 फिल्म भी किए हैं। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में 2 वेब सीरीज़ हैं जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे आने वाली हैं। अच्छा, मैं अनीता जी के प्रोग्राम में पिछले लास्ट जो इवेंट था उसमें भी आया था, बहुत अच्छा इवेंट था। और सबसे अच्छी बात है कि ये समाज के उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो समाज के लिए वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें उनका हक है उन्हें ये सम्मान मिले। तो इसलिए मैं उससे जो हो सकता है, मैं अगर इनको लगता है कि मैं यहाँ आता हूँ उससे ही कुछ सपोर्ट है तो मैं ऑनलाइन। अच्छा सर, जैसे कि आप बॉम्बे से आए हैं और बॉम्बे में तो डेली शोज होते हैं, हमने भी देखा है, तो वहाँ के शो में और इस शो में क्या खास बात लगी आपको, क्या हटके लगा और शो से आपको यहाँ आए? देखिए, मुंबई एक प्रोफेशनल सिटी है, वहाँ पे सारे, आप भी जानते होंगे, सारे काम प्रोफेशनल होते हैं। अपना ये दिल्ली है या यूपी है, यूपी में लखनऊ है, इन सब जगहों पे एक कुछ अलग बात होती है, वो अपनापन सा एक दिल्ली लगाव होता है। दिल्ली वैसे भी कहा जाता है दिल वालों की है, तो एक दिल से लगाव होता है लोगों को, एक अपनापन सा एक फैमिली सा एटमॉस्फेयर होता है। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब कह सकते हैं थोड़ा प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे या लखनऊ में भी मैं कई इवेंट्स में जाता हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छा। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या गुरु मंत्र आप नए बच्चों को देना चाहेंगे जिससे कि वे आगे बढ़े और हमारे चैनल को भी प्रोग्रेस मिले? क्या दुआएं, क्या ब्लेसिंग देंगे हमें आप लोगों के लिए? मेरी गुड विशेज़ हैं कि आपका चैनल दिन ब दिन और तरक्की करे और आपके व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, सबसे ज़्यादा हो जाएं सारे न्यूज़ चैनल से। और आने जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए यही है कि वो जो भी काम करें, अगर वो एक्टिंग फील्ड में भी आना चाहते हैं या मॉडलिंग में, तो जो भी करना है पूरे जुनून से दिल लगा के करना है। एक खेल में फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी काम करेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं मिलेंगे जब तक आप पूरे जज्बे से पूरे जुनून के साथ उस काम को नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। अनीता जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी खिदमत में हमारे चैनल पहुँचे हैं। क्या कैसा लगा आपको चैनल से मिलकर और क्या दुआ, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे आप हमारे चैनल को? के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, मीडिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इसके बिना कोई भी इवेंट मेरे ख्याल से सफल नहीं हो सकता है। और ख़ासतौर पे आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और हमसे मिलाते रहें। तो हमारे कोई भी कार्य होता है उसको जो समाज के सामने लाने का काम जो है मीडिया ही करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल के साथ जुड़कर, पी न्यूज़ और मैगजीन, जी। अनीता जी, परिवार के पूरे फाउंडेशन को हमारी तरफ से गुड विशेज है, आप ऐसे ही दुनिया में देश विदेश में परिवार फाउंडेशन का नाम ऐसे ही ऊंचा करते रहें। और साथियों, ये थे हमारे साथ में एक सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं और ऑर्गेनाइज़र, आपने देखा दोनों मौजूद हैं, आपसे किसी और नए चेहरे के साथ में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, फंक्शन का आयोजन किया गया हमारे साथ में, कुछ ये बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन, ये चैनल पर तो आए हैं पहले भी बट आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हाँ जी, आपको पता है मेरा नाम सचिन है और मैं एक सोशलाइट हूँ, ब्रांड एम्बेसडर्स हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ के साथ। अच्छा अर्चना मैम, जैसे कि आज यहाँ पुरवार फाउंडेशन की तरफ से जो है अवार्ड शो का आयोजन किया गया और साथ में हमने महिला सशक्तिकरण की भी पावर यहाँ पे देखी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस फंक्शन के बारे में, क्या अलग चीज़ लगी आज यहाँ पे आपको, क्योंकि बहुत सारे शो हमने भी देखे? सिर्फ महिला के लिए जो एम्पावरमेंट की सभी करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कदम कौन कौन उठाता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, एक्नॉलेज किया है। यहाँ बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, यहाँ बहुत सारे रिनाउंड सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं, यहाँ मेकअप आर्टिस्ट आए हैं, तो सभी को उन्होंने एक्नॉलेज करके उनको अवार्ड दिया है, उनकी चीज़ बोले तो मैंने को बहुत खुशी हुई और दिल से मैं उनको बेस्ट विशेज देना चाहूँगी। अच्छा मैम,
ब्लेसिंग क्या दुआएं आशीर्वाद देना चाहेंगे पी न्यूज़ एंड एएल मैगजीन? पी न्यूज़ और एएल मैगजीन को मैं दिल से आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत तरक्की मिले, इंदुली राज चौधरी उनका और प्रोडक्शन हो और उनको काफ़ी लोग अप्रिशिएट करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ में बॉलीवुड के बहुत अच्छे अभिनेता हमारे साथ में मौजूद है जो कि यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट में आए थे, आइए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। पहले सर आप चेहरे हमारे चैनल के लिए दुनिया के लिए तो हमारे चैनल में पहली बार आए तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर। तो मेरा नाम अभी शर्मा है, प्रोफेशन होटल नए बच्चे आपको देख रहे हैं जो कि इसी इंडस्ट्री में अभी बिल्कुल नए कदम रखे हैं, उनके लिए क्या गुरु मंत्र देंगे, सक्सेस का क्या मंत्र होता है उनके लिए? सक्सेस मंत्र बहुत ही सिंपल सा है कि एक तो सही नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव द राइट नॉलेज, इफ़ यू हैव राइट गाइडेंस, देन यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, अदरवाइज यहाँ पे आप फ्रॉड लोगों के चुंगल में फंस जाएंगे और होगा कुछ भी नहीं। सो बेटर है कि किसी प्रोफेशनल के उसमें आप ट्रेनिंग लें और खुद को ग्रूम करें अच्छे से, देन इस लाइन में काफ़ी अच्छा रहेगा। जी अच्छा सर, जैसे कि पी में पी न्यूज़ और एन मैगजीन यहाँ पे आपकी सेवा में आ गए, हमारे लिए क्या हमारे क्या आशीर्वाद देंगे, क्या ब्लेसिंग देंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, काफ़ी आप लाइमलाइट में हो आजकल, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये तो देख के, और ऐसे ही काम करते रहिए और नए टैलेंट हैं उनको आप आगे लाने का काम करिए, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं और जनता आप ही लोगों को ज़्यादा देखती है, आप ही मीडिया के सामने चीज़ों को लेके आते हैं। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर साहब जिनका कि ये पुअर फाउंडेशन है जो कि आज 15वां इंटरनेशनल अवार्ड शो इन्होंने किया है। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। ये मैं डॉक्टर मनोज पुरवार, चेयरमैन पुरवार अचीवर फाउंडेशन एंड एम्पावर्ड वुमेंस फोरम इंडिया जी, और ये 15वां नेशनल अवार्ड है हमारे फाउंडेशन के, 14 अवार्ड पहले हो चुके हैं और इसमें आपको 31 अवार्डियों को अवार्ड दिया गया है, उसमें प्राइड ऑफ भारत, वोमेन ऑफ द ईयर एंड मैन ऑफ द ईयर 2022 जी। अच्छा सर, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अवार्ड शो तो चल ही रहा है, एक फैशन शो भी एक नई थीम के साथ आप लेके आए हैं, इसका करने का उद्देश्य क्या था? इसका करने का उद्देश्य था कि ये थीम लिया था मैंने, सेव द गर्ल चाइल्ड जी, जो गर्ल चाइल्ड जो लोग जो बच्चियों को मार देते हैं या पेट में ही मार देते हैं उनके लिए ये रखा कि जिससे कि ये लोगों को प्रोग्रेस वो मिले, मोटिवेशन मिले कि हमें ये बचाना है, उसकी वजह से ये उसी सेव थीम के ऊपर अवार्ड वो फैशन शो किया है ऑर्गेनाइज किया जी। अच्छा सर, जैसे कि हमारे दर्शक आपको कुछ नए ऑर्गेनाइजर्स भी आपको देख रहे हैं, आप माशाल्लाह 15वां इवेंट कर रहे हैं आज, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि वे और ज़्यादा अच्छाई से इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकें, और अवार्ड शो के बारे में इस तरह के अवार्ड क्यों होने ज़रूरी हैं आज की डेट में? नहीं, अवार्ड ऑर्गेनाइजर को तो हम कोई टिप्स नहीं देना चाहेंगे, वो हम क्योंकि हम तो छोटे से ऑर्गेनाइजर हैं, हमसे बड़े बड़े भी ऑर्गेनाइजर। 15वां अवार्ड शो इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का होना बहुत बड़ी बात होती है, बाकी की हम ये और कोई अवार्डीज को अवार्डीज हम अपने पूरे इंडिया से बुलाते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। इस बार हमारे पास 200 अवार्ड प्रोफाइल्स आए थे, 200 प्रोफाइल्स में से मैंने 31 प्रोफाइल निकाले थे, और हम इसके बाद हम 16वां अवार्ड भी अनाउंस कर रहे हैं आज, वो हमारा एक बिजनेस अचीवर अवार्ड होगा, और बिजनेस अचीवर अवार्ड के साथ में एक अवार्ड और होगा जिसका कि नाम होगा
और उसके बाद हम ये 16वां अवार्ड कर रहे हैं, ये भी 3-4 महीने बाद कमिंग सून आएगा। जी अच्छा सर, हमारे चैनल के लिए क्या ब्लेसिंग, क्या दुआएं देंगे आप पी न्यूज़ और एएन मैगजीन के लिए? एएन मैगजीन को मैं चाहूँगा कि ये एएन मैगजीन और दूसरा कौन सा चैनल, पी न्यूज़ के चैनल के है ये इस बार हमारे अवार्ड शो में जुड़े हुए हैं। बाकी के चैनल पहले से जुड़े थे, मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमसे जुड़े रहें, और मैं चाहता हूँ इनके चैनल अच्छा था इसलिए इनको मैंने बुलाया, इसलिए इन्वाइट किया, और आगे भी इन्वाइट करेंगे, और इनके मैं चाहता हूँ मैगजीन आगे बढ़े और पी न्यूज़ निरंतर आगे चलता रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा झा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और लोगों के सुंदर सुंदर दांत निकाल भी देती है और चढ़ा भी देती है। आज ये यहाँ पे कुरवर की तरफ से जो कुरवर फाउंडेशन की तरफ से जो अवार्ड शो रखा गया उसमें इन्हें वुमेन्स के लिए अवार्ड दिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। सीमा जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। क्या कहना चाहेंगी, आज जो ये 15वां इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिला है इसके बारे में क्या कहेंगी? तो बहुत ही अच्छा है कि पुरवार जी ने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उन्होंने वुमेन्स को ज़्यादा ध्यान में रख करके बहुत सारी चीज़ें वुमेन्स के लिए की है, जो आजकल के दिन में बहुत ज़रूरी है। मैन और वुमेन दोनों वैसे तो बराबर होते हैं, पर कहीं ना कहीं वुमेन जो है ना मैन के कवर में कहीं छुप जा रही है अभी भी स्टिल, तो उसके लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छा सीमा जी, जैसे कि वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम, आप एक डॉक्टर लेडी भी हैं और सबसे बड़ी बात एक वुमेन है, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या टिप्स दर्शकों को देना चाहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं ये कहूँगी कि वुमेन नारी शक्ति से भी कोई शक्ति नहीं है, नारी है या शिव और शक्ति दोनों अलग नहीं है, शिव है शक्ति है तभी दुनिया है, इसलिए वो दोनों ही बराबर है। इसलिए नारी शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, शिव और नारी शक्ति एक है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, हमारे साथ में अब मौजूद हैं बॉलीवुड एक्टर, मॉडल और टीवी सीरियल जी टीवी, सोनी टीवी और जी एबीपी न्यूज़ वगैरह पे आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा, दिल्ली के जाने माने हस्ती जुनेद हुसैन खान साहब हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इनके बारे में जानते हैं और आज का शो कैसा लगा इनसे बात करेंगे। जुनेद भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई जी। क्या कहना चाहेंगे जुनेद भाई, आज जो ये पुरवार अचीवर्स फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली में जो इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है ये अंदाज होटल में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार शो रहा ये जी, और अनीता जी जो हैं इसके ऑर्गेनाइजर जो हैं उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस शो को अंजाम दिया, क्योंकि ऐसे शोज बहुत कम होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए जाएं जी। प्रेजेंटेशन है बहुत ज़रूरी होती है और ऐसे शोज बहुत कम होते हैं। महिलाओं को लेके महिलाओं की बातें यहाँ पे हो रही हैं, महिलाओं को प्रोत्साहन दी जा रही है, एनकरेजमेंट दिया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे शोज होते रहें और मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया ऐसे एक शानदार शो में, और आपका भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि पी न्यूज़ के माध्यम से आप बहुत सारे आज शोज में मतलब इन दिनों दिखते रहते हैं, दिल्ली के बड़े बड़े शोज में अक्सर आप दिखते रहते हैं, तो आप भी इस तरीके से ऐसे शोज को प्रमोट करते रहें, शुक्रिया जी। अच्छा जुनेद भाई, जैसे कि और भी नए आर्टिस्ट आपको देख रहे हैं जो कि अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखा ही है, उन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हैं वो लोग, उनको क्या गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे जिससे कि उनके अभिनय में और निखार आए थोड़ा? उनको यही मैं मतलब गुरु मंत्र बताना चाहूँगा कि भाई देखो ऐसा है कि कामयाबी जो है बहुत दूर है जी, तो जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको सक्सेस मिलती है एक्साइटेड मत होएं और कोशिश करें और सीखें, सीखने में अपना ज़्यादा ध्यान लगाएं और करने से ज़्यादा सीखना बहुत ज़रूरी है जी। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि आप बस अपने टैलेंट को सीखने में लगाएं, ना कि आप ये सोचें कि बस अब तो हो गया, मतलब सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती जुनेद साहब, ये कहा जाता है और बहुत लंबा एक टाइम होता है सीखने का जी। अगर आपको एक जगह बहुत अच्छी कामयाबी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पे रास्ता ख़त्म हो गया जी, उसके बाद भी रास्ते हो रहे हैं, उसके बाद भी मंजिलें हो रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आपने हमें इतनी अच्छी बातों से नवाजा। अच्छा जुनेद भाई, पी न्यूज़ एएन मैगज़ीन के लिए क्या दुआएं देंगे आप? भाई उनके लिए तो मेरी दुआएं हमेशा ही रहती हैं। पी न्यूज़ एएन मैगज़ीन एक ऐसा नाम है जो उभरते सितारों को आगे लेके जाता है और टैलेंट को आगे लेके जाता है और जो बेहतरीन शोज़ हैं उनको आगे लेके जाता है, तो उनके साथ हमेशा मेरी दुआएं हैं कि वो इसी तरीके से जो अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म देते रहें और आगे बढ़ते रहें जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी
दिल्ली का और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का नाम रोशन करते रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जजाकल्ला।